नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 नवंबर 2019 और स्वागत है आपका पहली बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में है, यानी UCCN। क्या कंटेक्स्ट है? अभी देखो, इस नेटवर्क में 180 सिटीज शामिल हैं। यूनेस्को ने अब और 66 सिटीज़ को शामिल कर लिया है इस नेटवर्क में, तो 180 प्लस 66 इजिकल टू 246। अब इस नेटवर्क में टोटल सिटीज़ की संख्या हो गई है 246। हमारे लिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इंडिया की दो और सिटीज़ इस नेटवर्क में शामिल हुई हैं, मतलब यूनेस्को ने हमारी दो और सिटीज़ को क्रिएटिव सिटीज़ का दर्जा दिया है और शामिल किया है इस नेटवर्क में। कौन कौन सी सिटीज़ हैं? एक मुंबई और दूसरी हैदराबाद। इससे पहले देखो, हमारे देश की ऑलरेडी 3 सिटीज़ इस नेटवर्क का पार्ट हैं, चेन्नई, वाराणसी और जयपुर। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करें, पहले हम बेसिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यूनेस्को के द्वारा ये नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया था, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। इस नेटवर्क में उन सिटीज़ को शामिल किया जाता है जिनकी अर्बन डेवलपमेंट में क्रिएटिविटी का मेजर रोल रहा है। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर अब मुंबई को इस नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। आपको पता है, मुंबई में फिल्में बनती हैं और फिल्मों में भी काफ़ी क्रिएटिविटी लगती है। लोग देखने जाते हैं मुंबई में कैसे फिल्में बनती हैं, अलग से एक टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप हुई है मुंबई में, मतलब मूवीज़ बनती हैं। इस चीज़ ने काफ़ी अहम रोल प्ले किया है मुंबई की डेवलपमेंट में। दूसरा एग्जांपल आप लीजिए, हैदराबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? हैदराबाद अपनी बिरयानी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और दूसरे फूड डिशेज के लिए काफ़ी फेमस है। बहुत सारे लोग स्पेशली जाते हैं हैदराबाद में खाने का लुत्फ उठाने के लिए, तो इस चीज़ ने हैदराबाद की डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले किया है। तो ये भी देखो, एक प्रकार की क्रिएटिविटी है। अलग अलग डिशेज आपको मिलती हैं हैदराबाद में, ग्रीक फ्लेयर, अलग अलग टाइप का फ्लेवर मिलता है। तो इस प्रकार से अगर देखो किसी सिटी ने डेवलपमेंट की है और उसमें क्रिएटिविटी ने अहम रोल प्ले किया है, उनको शामिल किया जाता है इस नेटवर्क में। फायदा ये होता है, एक तो देखो, जो सिटीज़ शामिल होती हैं इस नेटवर्क में वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को दूसरे सिटीज़ के साथ शेयर करती हैं, और उन सिटीज़ को दूसरी सिटीज़ से भी तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। जैसे अब 246 सिटीज़ हैं नेटवर्क में, मुंबई को बाकी सिटीज़ से सीखने को मिलेगा, हैदराबाद को भी सीखने को मिलेगा, आपस में वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सकेंगे। इस नेटवर्क के द्वारा देखो 7 क्रिएटिव फील्ड्स को कवर किया जाता है, मतलब सिंपल ये है, इन 7 क्रिएटिव फील्ड्स में से सिटी ने अगर किसी भी फील्ड में क्रिएटिविटी को शो किया है तो उसे शामिल किया जा सकता है इस नेटवर्क में। तो कौन कौन सी 7 क्रिएटिव फील्ड्स हैं? क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, मीडिया आर्ट्स, फिल्म, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है पाक कला, मतलब खाने को चूज़ करने की कला, बनाने की कला, खाने की कला, ये सब चीज़ें। इसी चीज़ के लिए, मतलब इसी क्रिएटिव फील्ड के लिए हैदराबाद को इस नेटवर्क में शामिल किया गया है। 6th नंबर पे है लिटरेचर और 7वें नंबर पे है म्यूजिक। देखो, हमारी ऑलरेडी जो 3 सिटीज़ शामिल हैं इस नेटवर्क में, चेन्नई और वाराणसी को ऐड किया गया था म्यूजिक के कारण, जबकि जयपुर को ऐड किया गया था क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स के कारण। जयपुर काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपनी क्राफ्ट और फोक आर्ट्स के लिए, इसलिए जगह मिली थी जयपुर को इस नेटवर्क में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गोटीप्रोलू के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, गोटीप्रोलू इसलिए न्यूज़ में आया है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर जो खुदाई की जा रही थी उससे पता लगता है कि ये जो जगह थी इसे प्राचीन समय में ट्रेड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। हम और ज़रा डिटेल डिस्कस करें, कहाँ पर है गोटीप्रोलू? देखो, स्वर्णमुखी रिवर की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उस डिस्ट्रीब्यूटरी के राइट किनारे पर बसा है गोटीप्रोलू। फिर से बोलता हूँ, स्वर्णमुखी रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी के राइट बैंक पर सिचुएटेड है गोटीप्रोलू। ये देखो तिरुपति और नेल्लोर से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी खुदाई में प्राचीन काल की बहुत सारी वस्तुएं हासिल की हैं। जैसे देखो, ह्यूमन बीइंग का जो साइज होता है उसी साइज की भगवान विष्णु का एक स्कल्पचर मिला है, यानी मूर्ति मिली है। काफ़ी प्रकार के पोटरी आइटम्स मिले हैं, यानी बर्तन मिले हैं। इसके अलावा ईंटों से बने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर मिले हैं, अलग अलग साइज में, अलग अलग फॉर्म में। और देखो, ईंटों का जो साइज़ है, ब्रिक्स का जो साइज़ है, वो ठीक वैसा ही है जैसे
सतवहना और इक्सवाकू पीरियड में ईंटों का जो साइज हुआ करता था, मतलब कृष्णा वैली में जो स्ट्रक्चर मिले हैं सतवहना और इक्सवाकू पीरियड के, उसी प्रकार के ईंट मिले हैं यहाँ से भी। तो ईंटों के साइज़ के हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ईंट सेकेंड सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी बीसी के बीच की रही होंगी, यानी ऑलमोस्ट 2000 साल पुरानी। और जो स्ट्रक्चर्स मिले हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, एक फीमेल टेराकोटा की आकृति मिली है। टेराकोटा देखो एक प्रकार से मिट्टी होती है, बेक्ड क्ले आप कह सकते हो, पकी हुई मिट्टी। तो पकी हुई मिट्टी की एक फीमेल की मूर्ति मिली है जिसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा रखे हैं। इसके अलावा कॉपर और लेड के कॉइन्स, लोहे से बना भाला और पत्थर से बनी सील, टेराकोटा बीड्स, बीड का मतलब होता है मोती, यानी पके हुए मिट्टी के मोती। उसके बाद हैं ईयर स्टड इन सेमी प्रीशियस स्टोन। ईयर स्टड जो कान में पहनते हैं, क्या कहते हैं उसे, जो बार बार गिर जाता है बरेली के बाजार में, झुमका। तो देखो और ज़्यादा गोटीप्रोलु के बारे में इंफॉर्मेशन नेक्स्ट स्लाइड पर दी हुई है। समुद्र के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है ये साइट, तो इससे पता लगता है कि मैरीटाइम ट्रेड में इस ट्रेड सेंटर का इस्तेमाल होता था प्राचीन काल में। और यहाँ पर देखो इस प्रकार के बर्तन मिले हैं, इस प्रकार के बर्तन जिनमें लिक्विड कमोडिटी को स्टोर करके रखा जाता था। इसके अलावा इस साइट से मिश्रित स्टोन के, यानी कई सारे स्टोन के मिक्स टूल मिले हैं जो कि पीलियोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड के हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि पीलियोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड में भी यहाँ पर लोग रहते थे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया गोटीप्रोलु के बारे में, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल माइक्रोस्कोप रिपोर्ट के बारे में है। ये रिपोर्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित है और किसके द्वारा जारी की जाती है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। एक इकोनॉमिस्ट मैगजीन के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ते भी हैं काफ़ी बार हम आर्टिकल्स इकोनॉमिस्ट मैगजीन के। तो उस मैगजीन की ये इंटेलिजेंस यूनिट है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और इसी के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। 2007 में सबसे पहली बार पब्लिश की गई थी, उसके बाद रेगुलरली पब्लिश की जाती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रिपोर्ट, ग्लोबल माइक्रोस्कोप रिपोर्ट। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर आधारित है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में विभिन्न देशों को रैंकिंग दी गई है इस आधार पर कि किस देश ने अच्छा काम किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन के मामले में। तो मेनली चार इंडिकेटर्स के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। अलाउइंग नॉन बैंक्स टू इशू ई मनी, क्या नॉन बैंक्स को अलाउ किया जाता है वो ई मनी को इशू कर सकें। प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एजेंट्स, प्रोपोर्शनेट कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, और सबसे लास्ट में इफेक्टिव फाइनेंशियल कस्टमर प्रोटेक्शन। देखो इतने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स नहीं है कि आप इनको याद करो, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एक प्राइवेट मैगजीन की इंटेलिजेंस यूनिट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना। तो क्या कुछ निकल के आया इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में देखो ये निकल के आया, इंडिया, कोलंबिया, पेरू, उरुग्वे, मैक्सिको, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। ओवरऑल इन्होंने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। तो यहाँ पर काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस हैं इंक्लूसिव फाइनेंस की। उसके बाद इस रिपोर्ट में कोलंबिया को फर्स्ट स्थान दिया गया है, उसके बाद पेरू, उसके बाद उरुग्वे, उसके बाद मैक्सिको का नंबर आता है। इंडिया का स्थान जो है वो फिफ्थ है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को 55वां स्थान मिला है। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सब भूल जाइए, बस यही है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो 1946 में क्रिएट की गई थी। ये इकोनॉमिस्ट ग्रुप की रिसर्च एंड एनालिटिकल डिवीजन है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कोर सेक्टर से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है, देखो हाल ही में सितंबर 2019 का आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा रिलीज हुआ था, जिससे ये पता लगता है 8 जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज हैं वो डिक्लाइन कर गई सितंबर में 5.2% से। देखो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन है वो 40.27% है। ये लिस्ट है कौन कौन सी 8 इंडस्ट्रीज शामिल हैं इस कोर सेक्टर में। पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टील प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, बराबर में इनकी वेटेज के बारे में भी लिखा हुआ है।
ये देखो इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है इन कोर, 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। यूपीएससी सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछ लेती है कि इनमें से कौन सी इंडस्ट्री को 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में शामिल नहीं है। यूपीएससी ये पूछ लेती है 8 में से सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, सबसे कम का पूछा जा सकता है। यूपीएससी ये भी पूछ सकती है असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। ये क्वेश्चन देखो 2015 में है, 2015 का है कि हाईएस्ट वेटेज किसका है इन 8 कोर इंडस्ट्रीज में से। तो ये इस पर आप जरूर नजर डालिएगा। चलते हैं आगे, आगे देखो स्पाईवेयर पेगासस के बारे में है। इसको हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं एडिटोरियल की वीडियो में। आप ये याद रखिएगा, एक एनएसओ ग्रुप है इसराइल का। एनएसओ क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी फर्म है जो कि गवर्नमेंट के लिए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए सर्विलियंस करती है। तो इस एनएसओ ग्रुप यानी इस टेक्नोलॉजी फर्म पर आरोप लगा कि पूरे वर्ल्ड में 1400 मोबाइल की सर्विलियंस की गई इसके द्वारा व्हाट्सएप एप्लीकेशन का यूज करके, और कौन से स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया, पेगासस का। तो यूपीएससी यूं क्वेश्चन पूछ सकती है, पेगासस रिसेंट में न्यूज़ में था, ये क्या है, क्या ये स्पाईवेयर है, कोई मिसाइल है, कोई टेलीस्कोप है, कुछ भी है मतलब, तो आपको पता होना चाहिए। ये स्पाईवेयर है जिसका इस्तेमाल किया गया था एनएसओ ग्रुप के द्वारा, जो इसराइल की एक टेक्नोलॉजी फर्म है। उसके बाद एक जो आर्टिकल हमारा रह गया है वो पीसा के बारे में रह गया। पीसा का पूरा नाम है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ये एग्ज़ाम देखो कंडक्ट होगा 2021 में, और अभी हमारे जो यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रिपरेशन का जायज़ा लिया कि इस टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स को किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है। तो पीसा के बारे में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पहले डिस्कस किया था, उसे ही हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसा देखो नाम से ही जाहिर है, ये एक इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट प्रोग्राम है, मतलब दुनिया भर के स्कूल्स में स्टूडेंट्स का असेसमेंट किया जाता है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत फोकस किया जाता है 15 साल के आसपास के बच्चों पर, क्योंकि ये एज वो एज होती है जब कंपलसरी स्कूलिंग ख़त्म होने को आती है। तो इस असेसमेंट प्रोग्राम में फोकस किया जाता है ये पता लगाया जा सके कि स्टूडेंट्स ने फंक्शनल स्किल्स कितनी हासिल की हैं। फंक्शनल स्किल्स मतलब वो स्किल्स जिनकी सहायता से मॉडर्न वर्ल्ड में सक्सेस प्राप्त की जा सकती है, जॉब लग सकती है। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उसका कोई फ़ायदा ही ना हो, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में उस एजुकेशन का कोई यूज़ ही ना हो। स्टूडेंट ने डिग्री तो हासिल कर ली लेकिन फंक्शनल स्किल कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ पर फोकस किया जाता है। 15 साल के आसपास जिनकी एज होती है उन बच्चों से साइंस, मैथमेटिक्स, इन सभी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखो ये असेसमेंट प्रोग्राम हर 3 साल में एक बार कंडक्ट होता है। 2000 में सबसे पहले इस असेसमेंट प्रोग्राम को कंडक्ट किया गया था, और इस साल यानी 2018 में भी ये असेसमेंट प्रोग्राम कंडक्ट हुआ। नेक्स्ट टाइम इस असेसमेंट प्रोग्राम को कंडक्ट किया जाएगा 2021 में। और देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है OECD, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करती है इस असेसमेंट प्रोग्राम के लिए, और USA में असेसमेंट किया जाता है NCES के द्वारा, यानी नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स। ये US की अपनी बॉडी है, हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मेन देखो अब मुद्दा ये है, 2009 में इंडिया ने इस असेसमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन हमारी रैंकिंग बहुत ज़्यादा ख़राब आई थी। हमारी रैंकिंग आई थी 74 में से 72 आउट ऑफ 74। तो हमने आरोप लगाया था इस असेसमेंट प्रोग्राम पे कि इस असेसमेंट प्रोग्राम में जो क्वेश्चन पूछे गए बच्चों से बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे। इस वजह से हमारे बच्चे इस असेसमेंट प्रोग्राम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, इसलिए हमने 2009 के बाद इस असेसमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया ही नहीं। समझ गए, यानी 2009 में हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही। इस प्रोग्राम से पता लगा कि हमारे स्कूल्स में स्टूडेंट्स के पास फंक्शनल स्किल्स अच्छी नहीं हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, इंडिया ने OECD के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। 2021 में ये जो असेसमेंट होगा, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट, इस असेसमेंट में इंडिया हिस्सा लेगा। इंडिया में
चंडीगढ़ में केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और दूसरे स्कूल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इस असेसमेंट में। इंडिया ने पहले बोला था कि चंडीगढ़ के स्कूल्स में ये असेसमेंट करवाया जाए, जिसको लेके अब एग्रीमेंट हो गया है OECD और इंडिया के बीच। CBSE और NCERT भी पार्टिसिपेट करेंगी इस असेसमेंट में जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज होंगी। मेनली देखो, असेसमेंट में तीन चीज़ों से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, रीडिंग, मैथमेटिक्स और साइंस। लेकिन ऐसे होता है, एक बार अगर 80% क्वेश्चन असेसमेंट में मैथ के होंगे, 10% साइंस के होंगे, 10% रीडिंग से संबंधित होंगे, तो 3 साल बाद जो फिर से असेसमेंट होगा उसमें रीडिंग के 80% क्वेश्चंस, मैथ के 10% और साइंस के 10%। यानी हर 3 साल बाद जब ये असेसमेंट ऑर्गेनाइज होता है तो रीडिंग, मैथमेटिक्स, साइंस तीनों में से एक सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, उस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी 2 सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सब्जेक्ट पलटते रहते हैं हर 3 साल बाद। लेकिन कभी कभार दूसरे सब्जेक्ट्स को भी ऐड किया जाता है, जैसे 2015 में प्रॉब्लम सॉल्विंग और फाइनेंशियल लिटरेसी को भी ऐड किया गया था। पीसा के ऊपर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद हो जाएंगे। स्टूडेंट परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है 3 सब्जेक्ट्स में, मैथमेटिक्स, रीडिंग और साइंस में। दूसरी स्टेटमेंट, हर 5 साल में एक बार ये असेसमेंट ऑर्गेनाइज होता है। और तीसरी स्टेटमेंट, सेपरेट प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट को एडमिनिस्टर किया गया था 2003 और 2012 में, और सेपरेट फाइनेंशियल लिटरेसी असेसमेंट को इंक्लूड किया गया था 2012 और 2015 में। देखो, तीसरा फैक्ट आपको थोड़ा मुश्किल लगा होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो दूसरी स्टेटमेंट तो गलत है। जैसे हमने डिस्कस किया, हर 3 साल बाद ये असेसमेंट होता है। अगर बाय चांस आपको ना भी याद हो हर 3 साल बाद ये असेसमेंट ऑर्गेनाइज होता है, तो भी देखो तीसरी स्टेटमेंट, देखो तीसरी स्टेटमेंट से आइडिया मिल जाता है, 2012, 2015, 2003, तो इन ईयर्स को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर 3 साल बाद एक बार ये असेसमेंट होता है। बहुत बार ऐसा होता है UPSC के क्वेश्चंस में कि अगली स्टेटमेंट में पिछली स्टेटमेंट का कुछ ना कुछ फैक्ट दिया होता है, और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। दूसरी स्टेटमेंट अगर इस क्वेश्चन में गलत होती है तो दूसरी स्टेटमेंट सिर्फ सी में नहीं है, सी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने स्पाईवेयर पेगासस के बारे में जाना, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में हमने डिस्कस किया, पीसा के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया, गोटरी प्रोलू के बारे में हमने जाना, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, ग्लोबल माइक्रोस्कोप रिपोर्ट के बारे में, कोर सेक्टर के बारे में भी हमने जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।